यादव के पिटारे में से आज आपके लिए एक बहुत ही एंटरटेनिंग खबर लाए हैं। A1 एंटरटेनमेंट देख रहे हैं आप, मेरा नाम है मीघा। 1990 के दशक की सुपरस्टार हीरोइन ममता कुलकर्णी ड्रग्स से जुड़े एक मामले में रिहा तो हो गई। कुलकर्णी ने एक याचिका दाखिल कर कहा था कि उन्हें ड्रग कांड में बलि का बकरा बनाया गया। उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देश पांडे की पीठ ने कहा कि FIR में उनके ऊपर लगाए गए आरोपों के अलावा कुलकर्णी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। दरअसल ये मामला 2016 का है। उस वक्त ठाणे की पुलिस ने सोलापुर में फार्मास्यूटिकल्स कंपनी एवॉन लाइफ साइंसेस पर छापेमारी कर 14 लोगों को गिरफ्तार करा। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी ने एफेड्रिन के इस्तेमाल की योजना बनाई थी। एफेड्रिन का इस्तेमाल पार्टियों के लिए मेथ ड्रग बनाने में किया जाता है। इस एफेड्रिन को केन्या भेजे जाने की योजना थी। पुलिस का दावा है कि ममता कुलकर्णी केन्या में इस केस के सरगना विकी गोस्वामी के साथ रहती थी, इसी आधार पर उसने उनको आरोपी बनाया। 90 के दशक में उनकी गिनती टॉप की हीरोइन में होती थी, उनके करोड़ों चाहने वाले थे। भाई उनके चाहने वालों की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार के उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के एक करीबी विधायक ने पटना में उनका डांस कार्यक्रम करवा दिया। उनकी हॉट अदाओं पर पूरे बिहार के युवा मरते थे। उस दौरान बिहार में चारा घोटाले का खुलासा हुआ। बिहार के नेताओं और नौकरशाहों के पास पैसे की कमी नहीं थी, फिर क्या था। ममता कुलकर्णी का पटना में एक कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम के लिए ममता को उस वक्त 125 करोड़ रुपए दिए गए। वैसे तो आधिकारिक तौर पर एक विधायक के निजी कार्यक्रम में प्रस्तुति देने पर ममता बिहार आई थी, लेकिन उस प्रोग्राम में कई बड़े नेता और नौकरशाह शामिल हुए थे। बाद में उस विधायक का नाम भी चारा घोटाले में आया और उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे नेताओं का और बॉलीवुड का हमेशा चोली दामन का साथ रहा है। वेल, आप क्या कहेंगे ममता कुलकर्णी के इस किस्से के बारे में, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।